कल आधी रात को जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के जवानों से, सीआरपीएफ के जवानों से बसें वापस ले ली गई, ड्राइवर्स को फोन कर करके वापस बुलाया गया कि पुलिस वालों को, सीआरपीएफ वालों को जहां है वहीं छोड़ दो और अब सारी बसें वापस आ जाए, ऐसा ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का, दिल्ली पुलिस के जवानों के खिलाफ, सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ। आप चाहते क्या हो? ये जवान मर जाए, इनकी हत्या कर दी जाए, लोग इनको मार डालें, पुलिस कहीं आ जा ना पाए, सड़कों से पुलिस को हटा लिया जाए? ऐसे समय में जबकि दिल्ली में हमले हो रहे हैं, दिल्ली को जलाने की कोशिश हो रही है, दिल्ली पुलिस के जवानों ने और सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी छाती पे हमला झेलकर इस शहर को बचाया है अभी चार दिन पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री आखिर चाहते क्या है? इस दिल्ली ने आपको वोट दिया है, सम्मान दिया है, पहचान दी है, आप इसी दिल्ली को जलाना चाहते हैं, इसी दिल्ली को आग में झोंक देना चाहते हैं? लोग बस किसी तरह से दिल्ली के अंदर आ जाएं, आगजनी करें, दंगा करें, लूटपाट करें, तब आपको बहुत खुशी मिलेगी? दिल्ली पुलिस से, सीआरपीएफ से इससे क्या दुश्मनी है आपकी? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आप पुलिस की बसें वापस करवा देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है जो कल एक्सपोज हुई है उसका आप हिस्सा है, जिसमें यह निश्चित है कि जब तक दिल्ली जलेगी नहीं, दिल्ली में जब तक आग नहीं लगेगी तब तक यह षड्यंत्र पूरा नहीं होता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस को पिटने दो, दिल्ली पुलिस की बसें वापस ले लो, सड़कों से पुलिस को हटाओ साजिश करके, दंगाइयों को शहर के अंदर घुसाओ। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, और मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से ये निवेदन करता हूं कि अब आप एक्शन लीजिए, ये बसें पुलिस को तुरंत मिलनी चाहिए, उपराज्यपाल महोदय को इसमें हस्तक्षेप करना ही चाहिए, अब पानी सिर के ऊपर निकल चुका है।